हरियाणा में ऑक्सीजन से भरे टैंकर की दिनदहाड़े चोरी। पानीपत से सिरसा जाते हुए लापता हुआ ऑक्सीजन टैंकर, जांच में जुटी पुलिस। कार्यकाल के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने सरकार को लगाई फटकार, कहा ऑक्सीजन की कमी से मर रहे लोग, चिंता करो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पीएम से गुहार, विमान से मंगवाया ऑक्सीजन, प्लांट पर तैनात की जाए सेना, फिलहाल रेलवे से हो रहा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए देश में वायुसेना के विमानों का लिया गया सहारा, एयरलिफ्टिंग हुई शुरू, पानागढ़ के लिए भेजा गया पहला विमान। फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने दिल्ली के अस्पताल के लिए भिजवाए ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, मरीजों को हो रही किल्लत पर एक्ट्रेस ने दिखाई मानवीय संवेदना। मशहूर संगीतकार नदीम श्रवण जोड़ी के श्रवण का कोरोना के कारण निधन, रहेजा अस्पताल में चल रहा था संगीतकार का इलाज, बॉलीवुड में पसरा गम। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्र और राज्य को समान कीमत पर मिलनी चाहिए कोरोना की वैक्सीन, कांग्रेस अध्यक्षता ने पहले ही उठाए हैं सवाल। कोरोना की चपेट में आया चित्तौड़गढ़ का एसपी कार्यालय, 4 पुलिसकर्मियों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव, महकमे में हड़कंप के बाद 112 पुलिसकर्मियों की ली गई रैंडम सैंपलिंग। माथाड़ी कामगारों ने की बंद की घोषणा, 24 अप्रैल को नई मुंबई की एपीएमसी मंडियों में रहेगी हड़ताल, लोकल ट्रेन और बसों में यात्रा की अनुमति देने की मांग। नई मुंबई के शिवसेना नगर सेवक नामदेव भगत ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में की घर वापसी, ऐन मनपा चुनाव से पहले शिवसेना को बड़ा झटका। हिंदू जनजागृति समिति की मांग, रायगढ़ के 11 उपजिला और ग्रामीण अस्पतालों में तत्काल भरे जाएं आरोग्य कर्मियों के पद, कोरोना उपचार के लिए नहीं मिल रहे चिकित्सा कर्मी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।